तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। कंपनी रिसाइकलिंग का कामकाज करती है और BSE में लिस्टेड है। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की तो बहुत छोटी सी मार्केट कैप है और 1832 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। बहुत छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 949 रुपये का, हाई लगा चुका है 449 का, मतलब ऑल टाइम हाई के लमसम ट्रेड कर रही है स्टॉक। और लो है 167 रुपये का। स्टॉक पी है 92। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है और इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। इंडस्ट्री पी है 31, इसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। और बुक वैल्यू 33 रुपये की है। कंपनी डिविडेंड एल्ड नहीं पे आउट कर रही है। ROC 33, ROE है 28, फेस वैल्यू 10 पे की है। दोस्तों, जिन भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 10 पे होते हैं उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स और बोनस मिलने का। प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है, जो कि अच्छा खासा होल्डिंग माना जाता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, मतलब कंपनी के पास जो कर्ज है ना वो बहुत ही कम है, ना के बराबर कर्ज है। एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 16 करोड़ का, कर्ज 6 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% और EPS 10 रुपये की है। फ्री कैश फ्लो 17 करोड़ निगेटिव में है। इस हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई और प्लेज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिर भी नहीं रखा गया है। आइए हम लोग चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम क्या देख सकते हैं, जून वाले क्वार्टर में कंपनी ने 8.21 करोड़ का प्रॉफिट लाया। पिछले साल जून में 3.26 करोड़ लाया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके चल रही कंपनी। कहीं 3.26 से सीधा 8 पे आ गई, तो कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से। और नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात कर ले तो देख सकते हैं 7.41 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो करे जून वाले क्वार्टर। पिछले साल जून में 3.73, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी की, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है क्वार्टरली बेस पे। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पे चेकआउट किया जाए तो देख सकते हैं TTM में 21 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो हो रहे हैं। 2024 में 16, 2023 में 4, 2022 में 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है ईयरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे भी। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं TTM में। TTM में 20 करोड़ के शो कर रहे हैं। वहीं 2024 में 16, 2023 में 6 और 2022 में 12। तो कंपनी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है, हर साल एक नया हाई लेकर के आ रही है कंपनियां। डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं कर रही है, छोटी सी कंपनी है, क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बट हाँ, ग्रोथ करती हुई दिख रही है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट का तो देख सकते हैं रिजर्व है ना 46 करोड़ का है। और वहीं कर्ज की बात करें 6 करोड़ का कर्ज, अभी हाल ही दिनों में कर्ज मार्च वाले क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। और कैश फ्लो 2 करोड़ निगेटिव में है, नेट कैश फ्लो 0 है। तो इस हिसाब से कंपनी के पास कर्ज तो है, ठीक है। आते हैं अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ तो 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.17% की होल्डिंग FIs के पास है, पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है, जो कि अच्छा खासा होल्डिंग पब्लिक के पास, मतलब FIs और पब्लिक प्रमोटर को लेकर के अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक के अंदर देखा जाए क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है तो हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो पब्लिक के अंदर देखो 4.56% की होल्डिंग निपुण मैग्नेटिक ड्रेसिंग कंपनी लिमिटेड के पास है, तो अच्छा खासा होल्डिंग। अगर हम मान के चले तो पब्लिक के पास मात्र 21% की होल्डिंग है। आम जनता का पैसा 21% का लगा हुआ, बाकी सारा FIs और प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक का नाम बता दें, लेकिन उससे पहले बता दें कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अप स्टॉक और एंजल वन का, किनका अप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शेयर करके चल सकते हैं। स्टॉक का नाम इको रिसाइकलिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। फर्स्ट एंड लीडिंग कंपनी है ई वेस्ट को लेकर के और ऑफर एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ द
रिवर्स लॉजिस्टिक डाटा डिस्ट्रैक्शंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसिड डिपॉजिट ITAD रिसाइकलिंग ई वेस्ट लैम्प रिसाइकलिंग अप्रिसिएशंस मेटल रिकवरी इम्प्लीमेंट्स ऑफ EPR एंड CSR इनिशिएटिव्स रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स स्मार्ट ER ये सारी चीज़ों में कंपनी कामकाज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी ना सर्विस क्या प्रोवाइड करी है, आने वाले टाइम फ्यूचरिस्टिक इनकी प्लान्स हैं, फ्यूचर में हाई ग्रोथ हाई पोटेंशियल से भरा हुआ है इनका बिजनेस, ठीक है, और भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वेस्ट से 79% का रेवेन्यू जनरेट कर रही कंपनी 2021 में, 2020 में 92% का रेवेन्यू जनरेट की। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जर से 21 और 7% की रेवेन्यू जनरेट की है। तो कंपनी ने ऐप भी लॉन्च किया है, को वाज लॉन्च ऐप कॉल्ड बुक माई जंक, जो बुक माई जंक नाम से ऐप है ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है, आप भी कहीं ना कहीं सुने होंगे इसका नाम। तो ये इसी कंपनी का जंक ऐप है। ई वेस्ट बुक माई जंक इज मोबाइल ऐप डेवलप टू एसिड इन्वायरमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूसली यूजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देन दे डिसाइड द discard and need someone to come to their doorstep to collect waste of recycling। मतलब इनके आपके द्वार तक इनके जो सदस्य हैं जो भी काम करने वाले हैं उस ऐप के थ्रू आपके द्वार तक पहुँचेंगे, डोर तक पहुँचेंगे और वहाँ से ई वेस्ट है जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए या और भी सारी चीज़ें हैं वो ले करके जाएंगे, कुछ पैसे भी मिलेंगे आपको। देखो हमने क्या देखा कंपनी की क्वार्टरली ईयरली बेस जो परफॉर्मेंस वो हमने देखे, कितना लाजवाब है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, ठीक है स्टॉक अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें देकर के तुरंत गए और स्टॉक अंदर इन्वेस्टमेंट किए और हाँ भैया हो गया, कभी भी टॉप पे एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, स्टॉक से दूरी बना के रखिए, क्योंकि जो स्टॉक ना भागते हैं ना वो फिर गिरते भी हैं, कभी कभी स्टॉक एक रेंज भी क्रिएट करते हैं, तो इस टाइप की होते हैं, ठीक है। भागते हुए स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही भलाई होता है, ये भी ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। बट जो नए लोग होते हैं वो भागते हुए स्टॉक में एंट्री लेते हैं, फिर कहते हैं भैया मेरा स्टॉक तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, नेगेटिव वेव में भागने लगा, जैसे मैंने बाय किया फिर स्टॉक नीचे डाउन परफॉर्मेंस दिखाने लगा। क्या होता है जब स्टॉक बहुत ज़्यादा भागे रहेगा थकेगा कि नहीं थकेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉक थकते भी हैं, तो यही सारी चीज़ें। देखो ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक, बहुत भागा है, कितने रुपए के प्राइस से अगर देखा जाए 85 रुपए के प्राइस से, ठीक है 949 रुपए के हाई को टच किया है, तो कहीं ना कहीं 900%+ का परफॉर्मेंस करके दिखलाया है, तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है, 900% का परफॉर्मेंस दिखलाया, वो भी कितने समय से 2023 से, एक साल भी नहीं हुए अच्छे से, हाँ एक साल मान के चल सकते हैं, एक साल के अंदर अंदर आपको 900% का रिटर्न मिले तो क्या कम है, ठीक है। मतलब नए इन्वेस्टर हो तो जब ये दिख रहे हैं ना 900% का रिटर्न दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक जब भाग रहा है तो भागता ही नहीं रहेगा, उसको नीचे भी आना है। जब स्टॉक के अंदर 30-40% की करेक्शन देखे डेफिनेटली वो नज़रों में रख करके चला जा सकता है। स्टॉक भी क्या कह रहा है कि भैया हम महंगे हैं, 91 है तो स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही कंपनी ना उस इंडस्ट्रीज में कंपनी दो ही बहुत कम ही कंपनियां हैं, जिस वजह से ये सस्ता दिखला रहा है, मतलब थोड़ा सा महंगा दिखला रहा है, लेकिन फिर भी महंगा दिखला रहा है ना, तो स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा महंगा है, ओवर वैल्यूड है। तो सही में देखो आप ओवर वैल्यूड दिखला रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो स्टॉक अंदर कभी भी करेक्शन मोड आ सकता है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जब इतना हाई प्रॉफिट बना करके लोगों को दे रहा है तो मन में लालच तो फूटेगा ही ना कि भैया जब इतना प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो सेम अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक नीचे डाउन परफॉर्मेंस दिखलाता है तो 30-40% का करेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अब वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक को अपने नेचुरल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम काज करके चला जा सकता है स्टॉक के अंदर।
अभी करंटली ऑल टाइम हाई है, तो दूरी बना के रखने में भलाई है। हाँ, इसको कब नज़रों में रखा जा सकता है, कब जब 30-40% के करेक्शन डाउन परफॉर्मेंस दिखलाए, स्टॉक पी के हिसाब से भी थोड़ा सा सस्ता भी मिले, तब तो समझ में आए। अभी स्टॉक भाग रहा है तो दूरी बना के रखने में ही भलाई है। बट ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी वगैरह रिटर्न इस लेवल से, मतलब 30-40% के करेक्शन दिखला रहे हैं ना, उस लेवल से भी देंगे और इस लेवल से भी देने का कैपेबिलिटीज रखते हैं, क्योंकि अभी तो ये स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप में कन्वर्ट होना बाकी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बनाया जा रहा ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा कही हुई बातें 100% गलत हो सकती है, क्योंकि हम कोई सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो जब भी बाई और सेल करें तो सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही बाई और सेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।